Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. I am V. Welcome to Study Lover. देखिए आज की कोट क्या है? Don't worry about too many things at once. Start small and think big. मतलब देखिए कभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में एक बार सोच के नहीं बैठना है. इससे आप लोगों के सर में दर्द हो जाएगा. छोटी-छोटी चीजों को सोचिए और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए. आप घर को ही देख लीजिए. छोटी-छोटी सी ईंट मिल-मिल के एक पूरा मकान तैयार हो जाता है. ठीक है, तो छोटे छोटे से स्टेप देखिए. जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं ओनली उस दिन के बारे में सोचिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है. ये नहीं कि मुझको जाके आईएएस निकालना है या फिर मुझे एसएससी में टॉप करना है या फिर बैंकिंग में टॉप करना है. वो तो अपने आप हो जाएगा यार जब आप यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट से फोकस करके चलोगे. अपने एक एक दिन को जीना है आपको. हर एक दिन ऐसी तैयारी करनी है जैसे कि मान लो कल एग्जाम हो, तो उस तरीके से आपको पढ़ के चलना है. कभी भी बहुत ज्यादा मतलब चीजों को एक साथ में लेके नहीं चलना है. छोटा छोटा करते रहो, बट हाँ थिंक बिग. अपना फोकस जो होना चाहिए वो गोल पे होना चाहिए जिस चीज के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, और देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर चल रहे हैं ये सारे आपको बैंकिंग में बहुत ज्यादा फायदा करेंगे. एसएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईएएस के लिए तो है ही है, यूपीएससी के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं अगर आप इनको ढंग से सुन के चलेंगे. मैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा रहा हूँ ओनली, यहाँ पे जो भी टर्म्स उसमें आ रही है ना उसका भी कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ. एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स लेके चल रहा हूँ मैं. जितना भी उसमें टर्म्स आ रही है, जैसे पिछले टाइम मैंने बताया था कि WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक्स टर्म्स भी है वो भी सारी क्लियर करके हम लोग चल रहे हैं. ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम लोगों को क्या करना है और अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. देखिए ये पहले मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ एक बार. तीन सेक्शन है इसमें. तीन सेक्शन में से हमारा पहला सेक्शन अभी चल रहा है. पहले सेक्शन में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. इसके चार लेक्चर बना चुका हूँ मैं. यहाँ पे आने से पहले वो देखिएगा आप, तब जाके इस वाले चैप्टर पे आइएगा, तब चीजें आपको ढंग से समझ में आएंगी. आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर. इस सेकेंड चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है आइए एक बार वो देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं उसके ऊपर. तो ये है यहाँ पे सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर का टाइटल ये है, द इकोनॉमिक विजन फॉर प्रीकर्शियस क्लीवेज इंडिया. प्रीकर्शियस का मतलब आप एडवांस भी बोल सकते हैं, मैच्योर भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि जो पुराने टाइम से जो आज की पोजीशन में आ चुकी है उसको प्रीकर्शियस बोलते हैं. और क्लीवेज बोलते हैं डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड बोलेंगे आप इसको. तो डिवाइडेड भी है, बहुत सारे कास्ट, क्रीस्ट, रिलीजन, रीजन, बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड भी है. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो ओवरऑल देखेंगे ये चार टॉपिक, इसमें मतलब चार पॉइंट है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन और लास्ट कंक्लूजन और बीच के ये दो हैं. तो इनमें हम ओवरऑल क्या क्या कवर करेंगे. एक तो इंडिपेंडेंस से लेके टिल टूडे तक हमारी इकोनॉमी किस किस तरीके से चली है. मतलब पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, फिर बाद में चल के ओपन इकोनॉमी हो गई, और किस तरीके से मतलब पहले जो इकोनॉमी थी मतलब किस तरीके से चल रही थी, वर्क कर रही थी, अब किस तरीके से वर्क कर रही है. दूसरा क्या है जो मतलब एक तरीके से स्टेट की कैपेसिटी क्या है, मतलब जो स्टेट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, कितना गवर्नमेंट सेक्टर है, कितना प्राइवेट सेक्टर है, कौन कौन सी मतलब कितना वर्क कर रहे हैं दोनों मिलकर अपना अपना. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, किस तरीके से इस पे वर्क करना चाहिए, ये सब चीजें सीखेंगे हम. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है इसको देखेंगे हम, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है. और रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी इन्होंने बात करी है कि फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो ये स्टार्टिंग वाला चैप्टर है. इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रहा है कि किस किस तरीके से अब तक चीजें हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में. टू फेज में इन्होंने डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज में देखिए क्या बोल रहे हैं कि हाफ जो सेंचुरी थी वो सोशलिज्म की थी. मतलब सोशलिज्म में क्या हुआ था, एक तो नेशनलिज्म पे फोकस कर रहे थे और दूसरा प्रोटेक्शनिज्म पे. मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर था उसका बहुत कम इंटरफियरेंस था, और ऊपर से बाहर वाली जो इकोनॉमी थी, बाहर वाली जो कंट्री थी उनको भी अंदर आने की ज्यादा इजाजत नहीं थी. बहुत ही लो लेवल पे काम हो रहे थे सारे. पर ये जो फ्रेमवर्क था ये 1990 तक चला. उसके बाद में 1991 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया. मतलब इसके बाद में हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई. आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, जिसको एलपीजी भी बोलते हैं. तो एलपीजी के ये रिफॉर्म आए उस टाइम पे. फिर इसके बाद में हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, मतलब बाहर की कंट्री को यहाँ पे आने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओपन कर दिया गया यहाँ पे. पर लेकिन ओपन तो हो ही गई, पर लेकिन अब तक भी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है जिस तरीके से क्लियर होनी चाहिए. रिप्लेस तो कर दिया है पर लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है चीजों में अब तक भी. तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही है. उस क्लैरिटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि क्या ऐसे पास्ट में चीजें रही हैं जिसकी वजह से वो क्लैरिटी नहीं बन पा रही है. इंडिया ने क्या बोला है कि सोशलिज्म को विजन को रिप्लेस कर दिया हमने वाशिंगटन कंसेंसस से. मतलब वाशिंगटन कंसेंसस क्या है ये देखिए इसको बोलते हैं. तो ये एक मतलब कंसेंसस बोलते हैं एक तरीके से एग्रीमेंट,
कंसेंसस, वाशिंगटन कंसेंसस एक एग्रीमेंट है जिसमें मतलब एक तरीके से 10 रूल्स ऑफ सेट था इसमें, मतलब लगभग 10 रूल बनाए गए थे, 10 रूल बनाए गए थे कि किसके हिसाब से इकोनॉमी काम करेगी, मतलब इकोनॉमी को किस तरीके से सेट करना है अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है। तो इसके बेस पे हमने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये यूएसए से लिया गया है कॉन्सेप्ट। चलिए आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ये कंसेंसस की जो टर्म्स है वो किसने दी, उनका नाम बताइए आप। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा और जब नाम देखने जाए तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, थोड़ा मतलब इलेबोरेट फॉर्म में। देखिए क्या हुआ, इसके बाद में ओपन ट्रेड हो गया, ठीक है, ओपन कैपिटल हो गया, आपने सारी चीजें ओपन कर दी कि बाहर से आ सकते हैं किस तरीके से, और प्राइवेट सेक्टर को भी उनका एक तरीके से आप पार्ट दे कह सकते हैं कि दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब चीजें होना स्टार्ट हो गई, और जो डेवलपमेंट का मॉडल था ये सेम डेवलपमेंट का मॉडल था जो जिससे सक्सेसफुल हुए हैं कई सारी कंट्रियां ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में कई सारी कंट्रियों ने काम किया ऐसे। ईस्ट एशिया कहाँ पे आता है एक बार देख लीजिए, ये वाला पोर्शन ईस्ट एशिया में आता है, चाइना ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, तो आज की डेट में जो कंट्री है मंगोलिया ले लीजिए, ये वाली कंट्री ईस्ट एशिया में बोलते हैं। और ये वाली कंट्री इस तरीके से बड़ी है ना, मतलब इंडिपेंडेंट तो ये इंडिया के साथ में हुई थी, पर लेकिन आज की डेट में अगर आप इन कंट्रियों को देखें, ये बहुत ही एडवांस कंट्री हो चुकी है सारी, और जबकि इंडिपेंडेंट लगभग इंडिया के साथ में हुई थी। चाइना तो इंडिया से 2 साल बाद में हुई थी, इंडिया 1947 में हुई थी और चाइना 1949 में हुई थी, तो चाइना 2 साल बाद आजाद हुई थी अगर ढंग से देखा जाए तो। और साउथ कोरिया ये सारी, और आज की डेट में इनकी एडवांसमेंट देखिए कितनी है, सैमसंग कंपनी ले लीजिए साउथ कोरिया की है, अच्छी अच्छी कंपनी जितनी है यार सारी आपको इन कंट्रियों की मिलेगी। तो ये कहाँ पे पहुंच गए हैं, वही है कि 3 इडियट का आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, हम कहाँ पहुंच गए और तुम यहीं पे यहीं रह गए, चतुर रामलिंगन वाला, ठीक है ना। तो वही डायलॉग मारने का यहाँ पे मन करता है कि मतलब ये कहाँ पे पहुंच गए, हमारी कंट्री कहाँ पे रह गई, पर वो बात नहीं है, हमारी कंट्री ने भी बहुत तरक्की की है और हमारी कंट्री भी अच्छे से कर रही है। ठीक है, हमने भी देखिए रिफॉर्म किए हैं, अब आके क्या क्या रिफॉर्म हम लोगों ने किया है, रिफॉर्म हमने भी इसी तरीके से किया है जिस तरीके से इन्होंने अपने टाइम पे किए थे। तो देखिए ये जो रिफॉर्म है यहाँ पे लगभग पास्ट क्वार्टर सेंचुरी लगभग 25 साल हो चुके हैं, मतलब लगभग 1990 से अगर लगा के चले आप, आज की डेट में 17 हो चुके हैं, तो लगभग 70, मतलब एक तरीके से आप लोग बोले 27, मतलब 27 साल हो चुके हैं, क्वार्टर 25 साल के लगभग इन्होंने अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने क्या फोकस किया है, एक तो कमिटमेंट किया है हमने किस चीज पे, इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल करना है, जिस तरीके से मैंने बताया था WPI CPI ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस करे थे किस किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इसके लिए आप लास्ट लेक्चर फॉलो जरूर कीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बार बार एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो यार हम इसी चीजों में लगे रहेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे आप लेक्चर देखे, अगर यहाँ पे कोई लेक्चर देखना अभी से स्टार्ट किया है तो पहले पुराने लेक्चर देखिएगा आप लोग प्लीज, क्योंकि तभी चीजें आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आपके माइंड में आएंगी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें वहां पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो न्यू मॉनेटरी फ्रेमवर्क निकल के आया आज की डेट में पॉलिसी का, पहले कुछ और था, आज की डेट में देखिए क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की जाती है वो 6 आदमियों के द्वारा की जाती है, पहले कौन करता था, आरबीआई का एक गवर्नर डिसाइड कर लेता था ओनली, आज की डेट में 6 आदमी है, 6 में से 3 तो है गवर्नमेंट के और 3 है आरबीआई के, तो 6 आदमी मिलकर पॉलिसी डिसाइड करते हैं, तो एक एक प्रॉपर वे की पॉलिसी निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखिए, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मतलब बिजनेस, जो डूइंग की बिजनेस थी यहाँ पे, पहले अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो महाभारत था, पहले यहाँ से क्लियरेंस लेके आओ, फिर यहाँ से क्लियरेंस लेके आओ, मतलब बंदा ये सोचता था कि यार बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा है किसी के अंडर में जॉब कर लो, तो वो ज्यादा बेटर है, तो इस तरीके की मेंटेलिटी बनी हुई थी यहाँ पे, तो वो मेंटेलिटी खत्म होती जा रही है आज के डेट में, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो रही है सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही आसान हो रहा है, तो सारी चीजें अब प्रॉपर वे में करनी भी स्टार्ट कर दी है, चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे वो फॉरन हो, डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के अंदर का और फॉरन मतलब बाहर वाला कोई भी हो, तो सबको अब आराम से बिजनेस करने के लिए यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है। और देखिए और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर इंटरनल वे में भी आप लेके चलो, लास्ट 6 मंथ का अगर लेके चलो यहाँ पे चीजें, आधार बिल लेके आइए, आधार बिल को इम्प्लीमेंट किया जिसके थ्रू सारी जो स्कीम्स होती हैं उसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, बैंक्रप्सी कोड लेके आइए, और जीएसटी के बारे में आप लोगों को चल ही रहा है, बैंक्रप्सी कोड से भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इससे कई सारी चीजें भी आगे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा सुधार आएगा, ये सारी टर्म्स और भी आगे आगे आएंगे, आगे से इनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो जितने हमने क्वार्टर में चेंजेस किए हैं, जो लगभग 25 सालों में हम चेंज करके लाए हैं, उनको रिमार्केबल चेंज बोल रहे हैं, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी से हम ओपन इकोनॉमी हो गए हैं, और उसके लिए 4 स्टैंडर्ड भी बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड हम फॉलो करके चले हैं, ओपन इकोनॉमी हो गया मतलब ट्रेड ओपन हो गया आज की डेट में, फॉरन कैपिटल फ्लो हो रहे हैं, बाद से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है बहुत ज्यादा है, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनको भी आज की डेट में एक लिबरल कर दिया है, पहले जिस लेवल पे काम करते थे आज की डेट में प्राइवेट और पब्लिक दोनों अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट भी ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ गई है एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब सारे जो ये 4 लेवल है आज के डेट में अच्छे से काम कर रहे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन चारों इंडिकेटर की वजह से ही
ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, मतलब कितना हमारा ट्रेड है और जीडीपी में कितना रेशियो है उसका, टोटल ट्रेड में मतलब टोटल जो जीडीपी हमारी निकल के आती है उसमें कितना पार्ट ट्रेड का है हमारा, तो वो हमारा ट्रेड का पार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा था, पहले बहुत कम, आज की डेट में वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और बढ़ता हुआ इतना जा रहा है कि आज की डेट में हमने चाइना को भी ओवरलैप कर दिया, चाइना को ओवरटेक कर दिया है। ये तो देखिए वर्ल्ड का है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इस पे, इस वाले को देखिए, ये है चाइना का, देखिए ये रेड वाला इंडिया है और ये दूसरे वाला कलर चाइना है, तो जो रेड वाला कलर देखिए, पहले हम हमेशा चाइना से नीचे रहते थे, यह ट्रेड ट्रेड टू जीडीपी रेशो, गुड्स एंड सर्विस की बात कर रही है जो प्रोवाइड कराई जाती है कंट्री के द्वारा, तो इसमें देखिए पहले आज की डेट में आके यहाँ पे देखिए, ये 2015 में आ गए हैं हम यहाँ पे, 2015-16 की अब बात चल रही है लगभग, जो साल गया है अभी, तो उसमें देखिए हम जो है चाइना से ऊपर आ गए हैं, तो हमारा ट्रेड जो है आज की डेट में चाइना से ऊपर आ गया, जिसकी वजह से देखिए ट्रेड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी हमारी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी बढ़ेगी, अपना हर एक आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, रहने सोने खाने का, हेल्थ अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तो ये सारी एक साइकिल में चलती हैं चीजें, तो उसी तरीके से चीजें जो है अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी फिर हर एरिया में। और देखिए अगर और भी तरीके से इसको कंपेयर करके देखा, ये बहुत ही दो इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, देखिए जो कंट्री लार्ज होती है, लार्ज कंट्री को ओपन होने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और एक तरीके से नुकसान भी होता है, ये बताया यहाँ पे, बीइंग ए लार्ज कंट्री आउटसाइड से देखिए कंट्री आएंगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उन वालों को ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन कंट्री में रिलेटिवली एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर इस तरीके से मतलब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो बेनिफिट जो है जो बाहर वाली कंट्रियों के साथ में ट्रेड करने में है वो लो है यहाँ पे, ये देखिए वेरी लो बेनिफिट ऑफ द बाहर वाली कंट्रियों के साथ में, क्यों, क्योंकि ट्रेड विद इन ही बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि विद इन ही बहुत बड़ी मार्केट है ना, अगर चाइना और देखिए जैसे कंट्री ले लीजिए, यहीं पे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं दिखा रहा था आप लोगों को, ये देखिए ये वाला इंडिया हो गया, ये वाला चाइना हो गया, सारी कंट्री साउथ कोरिया और जापान की जो छोटी छोटी कंट्री है देखिए कितनी है, इतने इतने तो हमारे स्टेट है, तो ये सारी कंट्री आके चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जापान में इन्वेस्ट कर, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि छोटी सी कंट्री है वहां पे, उनके वहां पे मार्केट ही नहीं है, और ये वाली कंट्री कितनी बड़ी बड़ी मार्केट है, तो ये बोल रहे हैं कि जो बड़ी कंट्री है उनकी तो खुद की इतनी बड़ी मार्केट होती है, तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर अपना अंदर ही ट्रेड करे तो अपने अंदर ही इतना बड़ा ट्रेड हो सकता है, इतनी बड़ी मार्केट है तो उस पर ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए इन लोगों को, और जबकि अपोजिट होता है स्मॉल कंट्री का, जैसे जापान वगैरह ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, इनको तो दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि खुद की तो कोई मार्केट ही नहीं है और कंपनी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है इनकी, तो वही चीज बोल रहे हैं, तो उस चीज को मतलब फोकस करके चल रहा है कि खुद की भी मार्केट है, खुद पे भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, और देखिए इतने टाइम से हमने जो है अपनी इकोनॉमी मतलब एक तरीके से कैपिटल जो है हमारी, हमारी इकोनॉमी जो है एक तरीके से कंट्रोल है, पर फिर भी ये सब चीजें होते हुए भी एफडीआई अच्छी खासी आती है हमारे यहाँ पे, ये देखिए 75 बिलियन एफडीआई हम पर ईयर यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, तो अच्छा खासा है, और इसको कंपेयर करके चल रहे हैं कि चाइना में जब 2000 की बात कर रहे हैं, 2000 की बात, जब चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी तो उस टाइम की बात करें कि उसके कंपेयर में आज की डेट में इंडिया उसी तरीके से वर्क कर रही है जिस टाइम पे चाइना वर्क करती थी, उससे कम नहीं आज की डेट में जो हमें अमाउंट मिल रहा है एफडीआई वगैरह का, तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी वर्क कर रही है वो एक अच्छे लेवल से वर्क कर रही है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। यहाँ पे इन्होंने देखिए कई सारे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए जिनको जान के आपको काफी अच्छा भी लगेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया में क्या है, पहले ये बोला करते थे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बहुत बड़े हैं, पीएसयू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पर लेकिन आज की डेट में अगर पीएसयू देखा जाए, आज की डेट में सही नहीं है, पास्ट में ट्रू था, आज की डेट में क्या हो गया, आज की डेट में हमने कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर रहे हैं हम जगह, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के जो वो है शेयर्स हैं वो बेचे जाते हैं कई बार, ठीक है ना, तो डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, जो टेक्निकल टर्म है उसके लिए डिस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो बहुत सारे उसका डिस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब उसको उससे पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, फिर उसको अच्छे से यूज करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को देखिए अलाउ किया है कई जगह, सिविल एविएशन में भी किया है, टेलीकम्युनिकेशन में देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में देख लीजिए, हर जगह आज की डेट में जो स्टेट पब्लिक, जो पब्लिक सेक्टर की जो शेयर्स थे वो रिड्यूस हो चुके हैं सारी, ये भी देख लीजिए ऑयल कंपनी देख लीजिए, मतलब जो ओआई देख लीजिए, ऑयल इंडिया जो ओआईएल है जो, या कोई भी देख लीजिए, सेल देख लीजिए या बीएचईएल देख लीजिए, जितने भी मतलब पीएसयू है उनके सबके शेयर आज की डेट में हम लोगों ने कम कर दिए हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेचते जा रहे हैं, तो यही एक तरीके से हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से जो स्टैंडर्ड है हम उसको फॉलो करके चल रहे हैं, एक नॉर्मल इमर्जिंग इकोनॉमी हमारी निकल के आ रही है, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड एशियन था डेवलपमेंट का, हम उसके पाथ पे चल रहे हैं, तो उसके पाथ पे चल रहे हैं, पर लेकिन कई सारी चीजें हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, जो कि अगर दूसरे वाली कंट्री को देखा जाए उससे हम कंप्लीटली डिफरेंट है, वो क्या चीजें हैं, पर्टिकुलर अगर रिमार्केबल चीज अगर आप लोग देखें वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यार इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ लेके चलना, डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसको एक साथ लेके चलना इस लेवल पे, ये देखिए किस तरीके से मतलब पॉसिबल है,
ये देखिए पेरेनियल डेमोक्रेसी है, बहुत ही पुरानी डेमोक्रेसी है हमारी। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर दूसरी कंट्री को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, डेमोक्रेसी थोड़ी ना है वहां पे। एक 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 पार्टी है वहां पे, उस पार्टी का रूल चलता है वहां पे, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की। तो वहीं उसी में से घूम फिर के उसी में से कैंडिडेट उन सब लोगों को चुनना होता है। और अदर कंट्री अगर देख लीजिए, बहुत ही थोड़ी कंट्री है अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से इंडिया ने फॉलो करा है उस तरीके से फॉलो करके आ रही है। अदर कंट्री कौन है जो रैपिडली बढ़ी है, देखिए जो डेमोक्रेसी होते हुए भी रैपिडली बढ़ी है, वो अदर कंट्री कौन सी है? इटली है, जापान है, इसराइल है और आयरलैंड है। तो ये वाली कंट्री देख लीजिए जो इंडिया की तरीके से बढ़ी है, ठीक है? ये इटली हो गया, यहाँ पे जापान हो गया, और यहाँ पे आयरलैंड हो गया, और एक तो इंडिया हो ही गया, ठीक है ना? तो ये वाली कंट्री हो गई, और इसराइल यहाँ पे पड़ता है इस वाले एरिया में। इसराइल सीरिया का इशू भी चल रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार, ठीक है? तो ये वाली चीजें भी चल रही हैं। तो इस तरीके से मतलब कह सकते हैं इस चीज को। तो मतलब देखिए ये कंट्री बहुत कम कंट्री ऐसी है जो इंडिया की तरह बड़ी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होते होते बड़ी है। और अदर कंट्री में भी बहुत ज्यादा फास्टर ग्रोथ हुआ है, कुछ तो ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है, और ईस्टर्न कंट्री भी कई सारी, जैसे इसको ही ले लीजिए, चाइना के बारे में बता रहा था मैं अभी, और भी कई सारी है। तो जो वर्ल्ड वार सेकंड से रिकवर करने के बाद में इस तरीके से हुई है। वर्ल्ड वार सेकंड की डेट याद है आपको? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है ना? इसको देखेगा कौन कौन सी डेट है, सेकंड का क्या, फर्स्ट का भी बताइएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड दोनों कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए पार्टिसिपेट करिए यार, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बंदे जो है आंसर दे रहे हैं। पार्टिसिपेट करिए तभी तो अच्छा लगेगा, मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा कामों को करने में, ठीक है ना? तो आप लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। और इसके थ्रू देखिए यहाँ पे कैपिटल फ्लो के बारे में समझाने की बात की गई है। कैपिटल फ्लो को ही समझ लीजिए यार, पहले वर्ड भी कई सारों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। कैपिटल फ्लो देखिए होता क्या है, मूवमेंट ऑफ द मनी, मतलब मनी को बाहर वाली कंट्री से अंदर मनी आना या फिर अंदर से बाहर जाना, उसको कैपिटल फ्लो बोलते हैं। किसके लिए? मेनली एक तरीके से ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए जितना होता है, दूसरी कंपनियों के साथ कोऑपरेशन बनाने के लिए। तो जो कैपिटल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लो, ठीक है? तो ओपननेस देखिए, ओपननेस हो गया आज की डेट में, तो कैपिटल फ्लो भी अच्छा हो रहा है आज की डेट में। पहले हम कहीं बॉटम में हुआ करते थे, ठीक है? यहाँ पे हम कहीं हुआ करते थे, पाकिस्तान है देखिए यहाँ पे, और इंडिया आज की डेट में यहाँ पे है, ठीक है? तो इंडिया का आज की डेट में देखिए पोर्शन बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है, मतलब एक एवरेज कंडीशन में हम आ गए हैं, पहले तो बॉटम में हुआ करते थे। और यहाँ पे देखिए एफडीआई फ्लो भी कितना अच्छा हो रहा है आज की, पहले यहाँ पे देखिए 2013 की, 12-13 की बात ली गई है, और ली गई है 16-17 की। तो 12-13 से देखिए यहाँ से कितने से हम कितने पहुंच गए आज के डेट में, कितने अच्छे लेवल पे आ गए हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छे लेवल पे चीजें हो रही हैं, ये भी इंक्रीजिंग वे में चीजें हो रही हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छे लेवल पे चल रही है, कहने का मतलब ये, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे लेवल पे बढ़ने की मतलब संभावना है, और वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चलती भी रहेंगी। देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रोड टू ट्रेवर्स्ड, मतलब रोड पे चलना है, पार करना है, तिरछी बांग की रोड है फिर भी पार करके जाना है हमको, एक मतलब एक तरीके से उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखिए चीजों के साथ मतलब क्या आ रही है, ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्मिस्ट और मार्केट ओरिएंटेड क्रेडेंशियल है, ठीक है ना? चीजें हैं कि हम चीजों को कर रहे हैं, पर लेकिन जो दिख रहा है ना फिर भी उतना नहीं है, जिस लेवल पे चीजें होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है। डाटा अवेलेबल है पर फिर भी उस तरीके के रिजल्ट नहीं आ रहे जिस तरीके के रिजल्ट होने चाहिए। अब तक उस तरीके की चीजें नहीं होने रही है, जो एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है वो एक उस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के अब तक नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो क्यों निकल के नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या है, फिर उसका रीजन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थ्री रीजन बता रहे हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, ये कह रहे हैं कि हेजिटेंसी है किसमें, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को चीजें प्रोवाइड कराने में हेजिटेंसी निकल के आ रही है। सब अपनी एक तरीके से प्रॉपर्टी फोकस करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से उस पर ज्यादा फोकस करके चला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए क्या होता है, हेजिटेंसी क्यों रहती है, प्राइवेट सेक्टर जो भी होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वे थोड़ी ना कि सोशल सिक्योरिटी के लिए सोचेंगे। तो हमारी कंट्री में इस चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर पर थोड़ा हेजिटेट होते हैं चीजों को लेकर। सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले हैं बोल रहे हैं कि जो जो स्टेट की कैपेसिटी है वो बहुत ही वीक है, मतलब जो पुअर्टी, जो एक तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है या कोई भी मनरेगा ले लीजिए या कोई और जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती है उनको प्रोवाइड कराने की जो बात की जाती है उस लेवल पे ये नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे करना चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं पहुंच पाती है। ओके और थर्ड देखिए क्या बोला है, थर्ड बोला है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो भी एक तरीके से एक बहुत लार्ज लेवल पे इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट कह सकते हैं और इनइफिशियंट भी कह सकते हैं, सफिशियंट भी नहीं है। बहुत सारे वो एरिया में जो आदमी है वो आज की डेट में इसके अंडर में नहीं आ रहे हैं, और जबकि ये ऐसी जगह पहुंच रहा है जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो मतलब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को लेकर और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसको लेकर इंडिया में एम्बिवलेंस है, मतलब एक तरीके से दुविधा है कि किस चीजों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए।
दुविधा क्यों है? दुविधा इसलिए यार, प्राइवेट सेक्टर जो मैंने अभी बताया था वो क्या करता है, उसका मेन फोकस जो रहता है वो प्रॉफिट पे रहता है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना है उसको, और सोशल कंसर्न पे ज्यादा फोकस नहीं करता है वो अपने प्रॉफिट पे फोकस करके चलता है। और जितना एम्बिवलेंस, जितनी दुविधा इंडिया में है लेकर प्राइवेट सेक्टर को, ये किसी और कंट्री में नहीं है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। और इसको मल्टीपल वे से ये बोल रहे हैं कि समझाया भी जा सकता है। जिस तरीके से देख लीजिए, सिविल एविएशन वाले सेक्टर को ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, फर्टिलाइजर वाले सेक्टर को ले लीजिए, इनमें प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेयर इतना ज्यादा है ही नहीं जितना ज्यादा होना चाहिए था एक तरीके से। मतलब हमारी कंट्री में ये सारे एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड सेक्टर है, ये वाले इनको ज्यादा ओपन ही नहीं किया गया है। सॉरी, हालांकि देखिए इसको खोला जा रहा है, अभी ओपन किया जा रहा है, पर लेकिन उस लेवल पे नहीं किया है जिस लेवल पे करना चाहिए। और एग्रीकल्चर से देखिए, एग्रीकल्चर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको भी रेगुलेशन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजें। तो इसमें भी ये क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया है, जो एरा है, वो सोशलाइजेशन वाला जो एरा है उसकी लेगेसी अभी बनी हुई है, वो भी अभी चल रहा है। क्या चल रहा है कि अगर देखा जाए, आप 2 साल से लगभग अभी कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केट आ गई, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, मतलब ये एक्ट निकाल के लाए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता था, अब तक यार बहुत सारी चीजें हो रही है मिडिल मैन की तरीके से, मतलब आप समझिए इसको एक बार। जैसे किसान है, किसान अपना काम करते हैं, किसान अपने खेतों में प्रोड्यूस करते हैं और फिर मार्केट में उसको पहुंचाते हैं। तो जो मार्केट में पहुंचाने तक और किसान से लेकर मार्केट तक जो चीजें जाती है, इसके बीच में जो मिडिल मैन रहते हैं वो सारा माल खा जाते हैं। मतलब यहाँ से बहुत सस्ते भाव में खरीदेंगे किसानों से, और यहाँ पे जो चीजें आएंगी वो इन तक बहुत सस्ते में पहुंचेंगे, फिर मार्केट में किस में पहुंचेंगे, मार्केट में फुल प्राइस में पहुंचेंगे वो। तो ये सारा माल बीच में खा जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे ये चीजें कंज्यूम करते हैं एक तरीके से इलीगल वे में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर मार्केट में चीजें पहुंचेंगी तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। पर जो 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 आदमी मेहनत कर रहा है, ये मतलब एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वहां पे चीजें बो रहा, मतलब खेतों में चीजें बो रहा है, फिर काट रहा है उनका, फिर एक तरीके से इकट्ठा कर रहा है, तो सारी मेहनत ये करता है और सारा जो फल जो एंजॉय करता है वो मिडिल मैन करता है। तो मिडिल मैन को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात होनी चाहिए। और उसी के ऊपर देखिए, मंडी में ये बहुत ज्यादा काम होता है। मंडी जो हिंदी का वर्ड है, आप लोगों ने मतलब इसको सुना भी होगा कई बार कि मंडी में सब्जी, मंडी जो वर्ड सुनते हैं वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी चीज को ऑथराइज करने की बात कर रहे हैं कि मंडी का जो एक तरीके से काम है उसमें से मिडिल मैन को हटाया जाए, मंडी में जो है किसान जो है डायरेक्ट मंडी में जाके अपना प्रोवाइड करा सके। और देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी राइट की बात होगी, प्रॉपर्टी राइट को आप यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को कई सारी, मतलब जानने को। प्रॉपर्टी राइट देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी राइट जो था वो फंडामेंटल राइट था, ठीक है, पर 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया, ठीक है। आर्टिकल, पहले आर्टिकल ये एफ के अंदर आता था, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ राइट के अंदर, आर्टिकल 31, ये दोनों इसी से बिलोंग करते थे। इसको रिप्लेस करके आर्टिकल 300A में जाके रख दिया गया। देखिए जहां पे भी स्त्री कैपिटल वर्ड आ जाता है उसका मतलब अमेंडमेंट वाले वर्ड है ये, ठीक है ना, तो उसको याद रखिएगा आप। अब आपके लिए यहाँ पे जानबूझ के मैंने डेट नहीं डाली, आपको ये बताना है कि 44th अमेंडमेंट ये कब हुआ था, ठीक है। इससे पहले 42 अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसने हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रख दिया था। उसके बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को सही करने के लिए। अगर ढंग से याद देखेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ये वाला अमेंडमेंट जो है 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, इसकी आपको डेट बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, कितनी बड़ी चीज कर दी, फंडामेंटल राइट जो था, जो कि मनी का, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के लीगल राइट बना दिया। पहले क्या होता था, देखिए अगर कोई जमीन भी खरीदता है ना, देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट बनाती है, रोड हो गया, हाईवेज हो गया, फिर गरीबों के लिए हाउस वगैरह बना दिया, कुछ भी कर दिया है, तो गवर्नमेंट सारा काम करती है वो, तो गवर्नमेंट जमीन लेती थी। तो लेकिन क्या करता था, किसान बेचता नहीं था उसको, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में आ जाता था, प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधे लोग क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे, तो केस लटका रहता था और काम ये कर नहीं पाते थे ढंग से। तो उसी लिए उसको फंडामेंटल राइट को वहां से हटा दिया गया, ये रीजन था फंडामेंटल राइट को हटाने का, लीगल राइट बना दिया अब इसको। अब गवर्नमेंट अगर चाहे कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहती है तो उसको हटा सकती है, तो लीगल राइट तो बना दी। देखिए ये इशू निकल के आता है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई आदमी गलत काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई कोई लॉ है, उस लॉ के हिसाब से इसको सजा देनी है, तो उस लॉ के हिसाब से जो गलत काम इसने किया है वो सजा बहुत कम है, तो कोई लॉ बना दे यहाँ पे और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंप्लीमेंट कर दे, मतलब पीछे से इंप्लीमेंट कर दे, यहाँ से इंप्लीमेंट करे और यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जो नया कानून बनाया वो एक अच्छा कानून बनाया जिससे इसको अच्छे से सजा दे सके, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पीछे से इंप्लीमेंट करना जिससे कि इसको भी सजा मिल सके। वरना क्या होता है, नॉर्मली अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं ना, वो आज की डेट से इंप्लीमेंट होगा, पीछे से इंप्लीमेंट नहीं होता है कोई भी लॉ, ठीक है। पर लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको इंप्लीमेंट कर दे तो पीछे भी जो गुनाह किए होंगे किसी ने, तो उनको भी इसके अंदर में लाया जा सकता है।
तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से वोडाफोन का केस निकल के आया था। जब वोडाफोन का आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था कि इसकी प्रॉपर्टी बेची और खरीदी जा रही है, तो जो प्रॉपर्टी इलीगल वे में इसने बेची थी तो उसके ऊपर केस चल रहा था बहुत ज्यादा। वोडाफोन बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन एक तरीके से इसको अगर नॉर्मल तरीके से आप समझे, ये एक टैक्स चोरी के अंदर चल रहा था। देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है टैक्स को अवॉइड करना, ठीक है, टैक्स को अवॉइड करना, और दूसरा होता है टैक्स का इवेजन करना। तो अवॉइड करना और इवेजन करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक तो होता है चोरी करना हो गया, एक होता है अवॉइड करना। तो एक तरीके से टैक्स को अवॉइड किया इन्होंने, तो उसके अंडर में ये चीजें आई थी। चोरी भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट तो चोरी बोली थी, पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया तो एक तरीके से अवॉइडेंस का वो आया, लूप होल ढूंढ लेते हैं, मतलब एक तरीके से कैसे तरीके से टैक्स को अवॉइड किया जाए, तो वो केस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीजों को यहाँ पे इस वाले पॉइंट में समझाने की कोशिश की है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है हमारे यहाँ पे उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। वीक स्टेट कैपेसिटी इन्होंने बोला है, डिलीवरिंग मतलब चीजों को डिलीवर करने में बहुत ही वीक बोला है इन्होंने। और खासकर जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन का। देखिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अगर कोई भी आदमी किसी के पास में हेल्थ है और एजुकेशन है, दोनों चीज अच्छे लेवल पे है, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। क्यों? कैपिटल किस चीज को बोलते हैं? कैपिटल जैसे हम अभी लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल फ्लो, कैपिटल होता है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से चीज जिसको हम यूज कर सके अच्छे से, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके एक तरीके से। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन एक कैपिटल बन जाएगा, एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है अच्छे से, एक कंट्री को अच्छे लेवल पे बढ़ाने के लिए सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक लेवल में। आप लोग कह सकते हैं देख अच्छे, देखिए अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा काम करेगा, कोई मजदूर भी है तो वो तब अच्छा काम करेगा, ऑफिस में अच्छे से जाएगा, अच्छा पढ़ा लिखा है तो अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमारे ह्यूमन तो है पर लेकिन कैपिटल नहीं बना पाई है हमारी गवर्नमेंट या हमारी कंट्री उसको, ये आप लोग बोल सकते हैं। ऑल इमर्जिंग मार्केट, देखिए हर एक कोई भी इमर्जिंग मार्केट है स्टार्टिंग में उनकी यही हालत खराब होती है। इंडिपेंडेंट जब सब इंडिपेंडेंट हुए तो सब वीक थे स्टार्टिंग में, पर लेकिन आगे चल के सबने चीजों को कंट्रोल कर लिया जैसे जैसे बढ़ते चले हैं। पर लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में जो है एकदम एकदम मतलब कॉन्ट्रास्ट में चीजें चल रही है। क्यों? उसका रीजन दे रहे हैं कई सारे, एक तो दे रहे हैं करप्शन दे रहे हैं, करप्शन दे रहे हैं, एक बोल रहे हैं क्लाइंटलिज्म, मतलब एक तरीके से होता है कि ये इसका वर्ड जो आप लोग कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं एक मिनट। मतलब जैसे कि क्लाइंटलिज्म को इस तरीके से समझिए, कुछ भी काम अगर हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ भी काम हो रहा है जैसे कि किसी आदमी को गुड्स और सर्विस की जरूरत है तो उसके लिए कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोग कह सकते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सब जगह रहता है और उस लेवल पे चीजें नहीं हो पाती है जिस लेवल पे होनी चाहिए। सब जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है। देखिए आप अगर रेल का ही ले लीजिए, रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन का था, जहां भी रेलवे बजट आता था सब ये कहते थे कि हमारे एरिया में रेल जोड़ाओ, हमारे एरिया में रेल चलाओ, तो भले ही चाहे वहां पे वो ना हो, मतलब अपने लोकल वाले एरिया से वो करते थे कि हम यहाँ पे रेल चलवा देंगे, ये कर देंगे, तो वोट हड़पने का उसको साधन बना रखा था। तो उस तरीके की चीजें होती थी, तो उन सब चीजों की वजह से हमारे यहाँ पे जो वर्क है वो उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो इसीलिए वीक मतलब कैपेसिटी वीक बोली जा रही है। और रूल एंड रेगुलेशन और जो एक तरीके से रेड टेपिज्म आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा रेड फीता साहिब, बहुत ही ज्यादा रूल और रेगुलेशन थे जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही थी, मतलब एक तरीके से बंधे हुए थे सब रूल और रेगुलेशन की वजह से, नहीं कर पा रहे थे चीजें जो करनी चाहिए। कंपिटेटिव फेडरलिज्म, इसको समझिए ये क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया सेंटर और यहाँ हो गए सारे स्टेट, जो हमारे 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये स्टेट हो गए सारे, ठीक है ना। तो स्टेट हो गए तो एक तरीके से देखिए हमारी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ में, मान लीजिए चाइना के साथ में, इसके साथ में कंपटीशन करेगी, तो तभी तो अच्छे लेवल पे कंपटीशन करेगी जब ये सारे स्टेट भी आपस में कंपटीशन करे, ये बोले मैं तेरे से अच्छी सर्विस दूंगा, ये बोले मैं तेरे से अच्छी सर्विस दूंगा, तो वो कंपटीशन फेडरलिज्म होता है जब एक दूसरे से आपस में भी ये कंपटीशन करे, ठीक है ना। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब दूसरे भी आपस में सेंटर से जुड़े हुए हैं और आपस में भी कंपटीशन कर रहे हैं, तो उस तरीके का फेडरलिज्म आना चाहिए, तब जाके हमारी कंट्री जो है एक तरीके से अच्छे लेवल पे काम करेगी। पर लेकिन ये डीप पजल बनी हुई है, ये भी उतने लेवल पे काम नहीं कर रही है। क्यों? एक तो ये कई सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों में देखें, किसी स्टेट में तो कुछ अच्छा है, अगर देखें यहाँ पे ये सारे एग्जांपल इतने बेहतरीन है, आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कहीं पे भी आंसर राइटिंग में। पीडीएस सिस्टम ले लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, छत्तीसगढ़ और बिहार में बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर ले लीजिए, एग्रीकल्चर में जिस तरीके से काम होता है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा है। केरोसिन फ्री, हरियाणा ने काम किया है, चंडीगढ़ को फ्री बना दिया है। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में अगर देख लीजिए, मतलब पब्लिक नहीं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात ले लीजिए, गुजरात में सोलर सिस्टम को ले लीजिए आप, कितने ज्यादा लेवल पे यहाँ पे इन्होंने लगाया। और सोशल प्रोग्राम देख लीजिए, तमिलनाडु में से अम्मा कैंटीन वगैरह जितने भी सारे थे जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी थी जो स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो सारे देखिए सबके स्टेट में अलग अलग है। पर लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को पर्टिकुलर देखा जाए वो इनसफिशियंट है, उतने लेवल पे काम नहीं हो रहा है। पर लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम हो रहा है फिर भी, पर लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि एक्सपेक्टेड था, जितनी लेवल पे चीजें होनी चाहिए थी।
देखिए ये भी थोड़ा उसका कंटिन्यूएशन है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसी में देखिए बोला है कि वीकनेस स्टेट कैपेसिटी के साथ में और भी प्रॉब्लम आती है, पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, पॉलिसी मेकिंग को ये डिसाइड नहीं कर पाते किस एरिया में करना है, पर्टिकुलर एरिया पे डिवाइड करते रहते हैं, वहीं पे करते रहते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में चीजें चलती रहती है इनकी, कंस्ट्रेन मतलब विवश रहते हैं कि उसी में करना है। अब देख लीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बात चलती है तो ये आज तक यही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने पीपल है, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, जबकि हालत तो आज तक ये स्टेट के अंडर है पर लेकिन करना तो चाहिए ना सबको, तो वो भी डिसाइड नहीं कर पाए आज की डेट में। तो इसी तरीके से बात बोले अडेरेंस टू स्ट्रिक्ट रूल, मतलब रूल इतने ज्यादा बना देते हैं पर उनपे एक तरीके से देखिए अगर आप अपने शेड्यूल बना रहे हैं डेली पढ़ने के लिए तो शेड्यूल को एक नॉर्मल शेड्यूल रखना चाहिए, ये नहीं कि सुबह से उठे 4-5 बजे से और उसको रात तक सोने तक जब तक 10 या 11 बजे सोने गए तब तक लेके आपके काम चल रहे हैं। बीच में देखिए थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, लोगों से भी बातें करनी चाहिए, घर वालों से भी थोड़ी बातें करनी चाहिए, कुछ गाने वगैरह भी सुन लेना चाहिए 2-4 मिनट के लिए, पानी वगैरह पीना, खाना खाना, तो एक तरीके से चीजों को लिबरल वे में लेकर चलना, ये नहीं कि बस बैठते पड़े जा रहे हैं 18-18 20-20 घंटे, इतना कुछ नहीं करना है। तो उसी तरीके से बोलना है टेली कम्युनिकेशन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो जिस तरीके से ऑक्शन होता था उसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन जब कराते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिस तरीके से एक लेवल होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का, करप्शन नहीं होना चाहिए उस लेवल पे, तो वो देख लेकिन बहुत ज्यादा था। आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे अभी 2G और ये सब चीजें निकल के आए थे, कॉल स्कैम वगैरह, तो वो स्ट्रिक्ट रूल थे बहुत ज्यादा, लोग इस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे। देखिए ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा रीजन होता है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल है, अगर वो डिसीजन लेंगे तो कल को अगर कोई डिसीजन गलत मिल गया उसमें तो इनके ऊपर ही बात आ जाएगी, मतलब कोई IAS है वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाता है। IAS का देखिए आज की डेट में ये बहुत बड़ी लाइन है जो यूज की जाती है कि डिसीजन ना लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन बन गया, मतलब कोई भी आदमी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचता है कि यार अगर मैंने डिसीजन ले लिया कहीं ना कहीं वो गलत ना हो जाए, मतलब डिसीजन नहीं लेते हैं गलत ना होने के डर से कि कहीं ना कहीं गलत हो जाए डिसीजन तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इससे अच्छा डिसीजन ही ना लो, तो ये बहुत बड़ा रूल बना लिया सबने, तो डिसीजन नहीं लेते हैं तो क्या होता है एक तरीके से मतलब पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, पॉलिसी काम ही नहीं करती है जब ये डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, और उसी तरीके से जो पुराने वाली स्टेटस है वही बना रहता है, स्टेटस को पुराने वाली कंडीशन बना के रखते हैं, क्यों नहीं लेते हैं डिसीजन, ये इनकी वजह से नहीं लेते हैं। 4C इन्होंने बोला, ये कोर्ट आ गया, CVC आ गया, सिविल विजिलेंस कमीशन CVI आ गया, और CAG आ गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कुछ भी हो गया तो ये आके फिर इनको क्या करेंगे परेशान करेंगे, तो ये इसलिए रिलक्टेंस रहते हैं डिसीजन लेने में, तो इसी को बोला है कि इसको थोड़ा लिबरल करना चाहिए आप लोगों को, तभी तो हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से, अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। और ये वाला जब से हम डिस्कस कर रहे थे कि इनइफिशियंट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होना है, मतलब एक तरीके से जो काम चल रहा है वो उतने लेवल पे नहीं चल रहा है, फिर भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं देखिए कि जो एक जितना आदमी जो पुअर है उसको उस तरीके से टारगेट नहीं किया जा रहा है, इफिशियंसी नहीं है उसको टारगेट करने में। मनरेगा ले लीजिए, इसका आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि मनरेगा में धांधली चल रही है, वो सब चीजें नहीं हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान ले लीजिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, पर लेकिन अगर इनका टारगेटेड एरिया देखें तो टारगेटेड एरिया वो नहीं है, मिस एलोकेशन हो रही है धन की, मतलब जो मनी है वो उस तरीके से एलोकेट नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिन आदमियों को मनरेगा में लेना चाहिए था उन आदमियों को नहीं मिलता है, बहुत तो नाम फर्जी रहते हैं मनरेगा में और उनकी सैलरी ले ली जाती है जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा। तो इसी तरीके से सर्व शिक्षा अभियान में होता है, बहुत सारे कॉलेज के ढांचे खड़े हुए हैं पर यहाँ पे ना तो स्टूडेंट है और टीचरों की सैलरी जा रही है, एक एक अंडर एक एक कमरे के ऊपर बोल रहे हैं कि कॉलेज चल रहा है और वहाँ पे पैसा फुल जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड से ले लीजिए या फिर वुमेन से डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम ले लीजिए या बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड स्कीम ले लीजिए, उनमें सब में मिस एलोकेशन हो रहा है, तो मिस एलोकेशन के क्या रीजन है, किसकी वजह से ये हो रहा है, ये देखिए इनकी वजह से चीजें हो रही है, शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है, फंड की वजह से इसलिए हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, इंक्लूजन किनका हो रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, ठीक है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, और लीकेज तो फिर होता ही है साथ साइड में, जिसमें चीजें करप्शन आ जाती है और इनफिशियंसी आ जाती है, कुछ तो मिलता नहीं, और ऊपर से फिर वही आता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होते हैं वो खा जाते हैं, जो कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि इफिशियंट काम नहीं करते हैं जो ब्यूरोक्रेसी हमारी रहती है, पर लेकिन अगर पिछले 2 सालों में देखिए, बोल रहे हैं कि पिछले 2 सालों में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब जिस तरीके से आप पेट्रोलियम को ले लीजिए, पहले क्या करते हैं हम सब्सिडी देते थे पर लेकिन अब हम क्या करते हैं टैक्स लगा दिया हमने, जो हम अब आज की डेट में हम टैक्स लगा रहे हैं इसके, फर्टिलाइजर पे भी ले लीजिए, हम उसी तरीके से सब्सिडी फ्री करके इसको मतलब उसमें कर दिया हमने इसके, मतलब PDS के थ्रू इसको देने लगे हैं आज की डेट में, तो ये सब लीकेज, ये देखिए पेट्रोलियम वाला तो जो टैक्स का वाला फंडा है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी, इसको अच्छे से समझाया था कि पहले जो था हम सब्सिडी देते थे लेकिन आज के डेट टैक्स लगाते हैं, जिससे कि ज्यादा ये जो इस तरीके के प्रोडक्ट है यूज ना हो और कार्बन जो है कम बाहर निकले, ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी आप लोगों को बताया था उस टाइम पे, ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए चीजें अच्छे लेवल पे हो रही हैं। और जीएसटी का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जीएसटी देखिए रिडिस्ट्रीब्यूशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर फिर भी ये बोले कि एक अच्छा लेवल करेगा, चीजों को अच्छे लेवल पे लाने में फिर भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को समझने को मिलेगा कि दूसरी जो कंट्री है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड क्यों हो गई और इंडिया क्यों नहीं हुई, इसका सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन इतनी है पर लेकिन काम की नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, उस पर सारा पैसा खराब हो रहा है। देखिए जीडीपी का तो हम 0.2% खर्च करते थे 1950 में, जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी लगभग, और आज की डेट में 1% पर पहुंचे हैं हम ओनली। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया हमारे अंदर, जबकि एक वर्ल्ड का एवरेज है वो लगभग 6% के करीब है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो ये देखिए कितनी ज्यादा कमी है, मतलब 6 होना चाहिए और हम 1 पर हैं, समझ सकते हैं। और पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है तब ये काम हो रहा है। अगर दूसरी कंट्री अच्छे लेवल पे क्यों पहुंची है, देखिए यूरोप ले लीजिए या फिर यूएसए ले लीजिए, उन्होंने इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई है, मतलब पहले उन्होंने ह्यूमन कैपिटल, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन कैपिटल बनाया, और उसके बाद में इन्होंने सारी चीजें करनी स्टार्ट करी है। पहले उनको हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराई है, पर लेकिन आज अगर आज की डेट में देखें हमारी कंट्री में ये चीजें अब तक भी नहीं हो पा रही हैं। और जितनी भी देखें मिडिल क्लास सोसाइटी है, जब तक उनको स्टेट बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराएगा तब तक एक अच्छे लेवल पे चीजें नहीं पहुंचेंगी, एक उस लेवल पे चीजें नहीं पहुंचेंगी जिस लेवल पे चीजें पहुंचने से जो ट्रेड अच्छा होता है, जीडीपी अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, तभी तो अच्छा होगा। तो वो सारी चीजें आज की डेट में भी अच्छी नहीं हो पा रही है, और इसी का रीजन कहीं ना कहीं इसीलिए है कि लोग बाग टैक्स भी अच्छे से पे नहीं करते हैं, बहुत कम टैक्स है। अगर देखा जाए जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एज पॉपुलेशन वोटिंग करती है, उसके कंपेयर में टैक्स बहुत कम पे करते हैं। जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 16% है, अदर कंट्रियों में देखिए कहीं पे 30 मिलेगा, कहीं पे 40 मिलेगा, तो बहुत सारी कंट्री में बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत कम है ये। तो वही काम है, और इसी तरीके से इनइफिशियंट अगर देखा जाए रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन देखिए रिड्यू मतलब रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं गवर्नमेंट को, पुअर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वीक कैपेसिटी होती है, इसी की वजह से तो होता है ना, तो इनके पास में पैसा रहता है ना फिर इन्वेस्टमेंट करने को आता है। तो दोनों चीजें को रिलेटेड है एक दूसरे से, ऐसे नहीं है कि एक चीज अलग है और दूसरी चीज अलग है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर वोटिंग देखिए कितने बंदे वोटिंग देते हैं और कितना टैक्स पे करते हैं, ओनली 7% बंदे। ये देखिए टैक्स पेयर जो वोटिंग एज दे रखी है वो तो ग्रीन वाली है, इतने बंदे वोटिंग एज बढ़ती हुई जा रही है, कितने बंदे यहाँ से देखिए, ठीक है। यह वोटिंग एज पॉपुलेशन मतलब इतनी पॉपुलेशन लगभग 8 वोटिंग एज के हिसाब से बोला है, पर मिलियन के हिसाब से, मतलब इतने मिलियन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, देखिए कितनी बढ़ रही है हमारी, दबा के बढ़ रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। पर लेकिन वोटिंग जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, ओनली 7% मतलब वोटिंग के बेस पे 7% आदमी यहाँ पे ओनली पे कर रहे हैं। और दूसरा क्या, टैक्स पेयर एज पर द वोटिंग, ये देखिए यहाँ पे 5% के टैक्स पेयर एज पर द वोटिंग एज पॉपुलेशन, वोटिंग एज पॉपुलेशन टैक्स पेयर इतने हैं। और दूसरा क्या, टैक्स पेयर एज पर द वोटिंग एज पॉपुलेशन ओल्ड, जो ओल्ड के बारे में और न्यू के बारे में कर रहे हैं, पहले इतने थे और आज की डेट में इतने हो गए हैं, बस इतना फर्क सा पड़ा है यहाँ पे ओनली, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो इतना बड़ा है देखिए ये, जबकि बहुत ज्यादा होना चाहिए। और कंट्री में देखिए हम बॉटम में है, यहाँ पे भी हमारी सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, तो मतलब लेवल उतना नहीं है काम का जितना होना चाहिए यहाँ पे। और अब देखिए चैप्टर का समाप्ति होने वाली है, कंक्लूजन आ गया इसमें। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए बहुत दूर तो हम आ चुके हैं और बहुत दूर हमको अभी जाना है, अभी बहुत लंबा रास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है। और तो सबको एक टेंटेटिव कंक्लूजन बोल रहे हैं, टेंटेटिव किस, आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम की डेट देते हैं टेंटेटिव, मतलब कंफर्म नहीं है, अगर चीजें ढंग से चलती रही तो चलती रहेंगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो कंप्लीशन ऑफ जर्नी करने में बहुत एक और अच्छी चीजें आनी है, सामने आनी है, एक इकोनॉमिक विजन होना चाहिए, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होना चाहिए, सबको अच्छे से मिलकर काम करना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए। डीमोनेटाइजेशन का देखिए बोल रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके का स्टेप्स है, आगे आने वाली गवर्नमेंट को भी एक अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए उसी तरीके से। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से रिच आदमियों से लेके पुअर आदमियों तक पहुंचाना, रॉबिनहुड अप्रोच भी बोलते हैं इसको। रॉबिनहुड क्या काम किया करता था, अमीर आदमियों से छीन के पैसा गरीब आदमियों में बांटा करता था, तो रॉबिनहुड अप्रोच आज की डेट में गवर्नमेंट बोल रही है इसको, जो इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी उसको रॉबिनहुड अप्रोच बोलते हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। देखिए फायदा क्या हुआ है, उससे फायदा बहुत सारा हुआ है। एक तो देखिए इनफॉर्मल और जो कैश इंसेंटिव सेक्टर था वो क्या हो गया आज की डेट में, कैश मतलब लेस कैश हो गया है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ऊपर से तभी काम चलेगा देखिए जब सफिशियंट चीजें हो पाए, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पर ढंग से काम करे, और प्राइवेट सेक्टर को भी एक अच्छे लेवल पे काम करके चले, स्टेट्स की भी कैपेसिटी बढ़ाए, तभी चल के जो हमारी नेक्स्ट स्टेज की जो जर्नी है वो अच्छे लेवल पे हो पाएगी। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके देखिए यार ये आज का ये तो यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर, अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको लेके आएंगे हम
पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे फुल ऑफ जोश में, और सारी चीजें कवर करूंगा अच्छे से जितने जो कि आज तक किया है। तो ओवरव्यू अब खत्म हो गया, अब जो बात चलेगी वो टॉपिक टू टॉपिक चलेगी, तो सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए लर्निंग प्राइसलेस है, इसलिए जहां जितना भी आप लोग यहाँ से सीखते हैं तो यार लोगों को जिसको आपको मौका मिले उसको पढ़ाया कीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा यार अगर किसी को पढ़ाएंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि और आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक दूसरे की हेल्प करो, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कुछ भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँ आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं यार उतना ज्यादा शेयर कीजिए, कभी भी शेयर करने से नुकसान नहीं होता है, और आपकी हमेशा नॉलेज बढ़ेगी और मोटिवेशन होगा अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।